हेलो खमागणी कोमोसावा, टुडे आई हैव ब्रॉट द वीडियो ऑन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे कि कब हम खुद को बचाने के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं और उस कारित किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। क्या हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस खुद तक ही सीमित है या हम किसी और को भी बचाने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। कब हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है और ये प्रोविजंस कहाँ हैं और इनके डेफिनेशंस क्या हैं, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये प्रोविजंस कहाँ हैं? ये चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी में दे रखे हैं, फ्रॉम सेक्शन 96 to 106। हमें ये बताते हैं कि कौन कौन से अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में। तो इसमें ये बताया गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि कोई भी बात अपराध नहीं है जब तक वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। जैसे आप अब खुद को बचाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं कि आपके मन में डर है, आपके मन में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो आगे वाला मुझे मार देगा, तो अपने बचाव में जो कार्य करते हैं उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में, अधिकार के रूप में आपको दिया गया है। तो उस टाइम जो आप कार्य करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में, उसको अपराध नहीं माना गया है। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मृत्यु का डर। आपको ये डर होना ज़रूरी है कि अब आगे वाला जो भी आपके साथ एक्ट कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आपको ये होना चाहिए कि उसके मारने पे आपके मन में जो डर पैदा होता है कि क्या पता वो मुझे इतना मारे कि मैं मर जाऊँ, तो उस डर के को मिटाने के लिए आप अपने आप को बचाने के लिए जो कार्य करते हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए और बी है। ए जो है वो बी के घर जाता है और उसको बहुत मारता है, किसी भी लकड़ी से वगैरह से बहुत मारता है, उसको घायल कर देता है। उस टाइम बी उसको कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं करता। ए वापस उसको मार के अपने घर चला जाता है। दो दिन बाद बी अपने घर से पिस्टल लेके ए के घर जाता है और उसको मारता है। फिर केस चलता है तो वो कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में मैंने उसको मारा है। तो क्या उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो उसने एक्ट किया वो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की वजह से नहीं था, वो रेट्रीब्यूटिव था, वो बदला लेने का उसका मोटिव था, बदला लेने के लिए उसने जो एक्ट किया। कैसे? अगर जब ए उसको मार रहा था बी को उसके घर आके, अगर बी अपने बचाव में कोई कार्य करता उस टाइम तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया जाता, नहीं कि ना कि जब वो दो दिन बाद, अब उसके मन में ना तो कोई डर था, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं था, ग्रीवियस हर्ट, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। उसकी एक सोची समझी चाल आप कह सकते हैं, बदला लेने का एक उसका मोटिव था कि वो घर से जाके उसको पिस्टल लेके मारने के लिए गया। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस इलस्ट्रेशन में आप नहीं दे सकते। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस तभी होता है जब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होता है, मृत्यु का डर अगर आप में है और तब आप अपने आप को बचाव के लिए कोई एक्ट करते हैं तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी यही कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस किस के अगेंस्ट होता है। जैसे पहला है आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सेक्शन 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट है कि आपकी खुद की बॉडी, योर ओन बॉडी, और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध आप अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को बचाव के लिए कोई ऐसा कोई एक्ट आपके अगेंस्ट हो, कोई आपको मारने की कोशिश करे, कोई आपको ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करे, तो आप उसके बचाव में जो कार्य करते हैं उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस टाइम आपको दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि खाली बॉडी के अगेंस्ट ही नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आपको। कैसे? सेक्शन 97 का सेकंड पॉइंट कहता है प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल और अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। वो ये कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अगर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, किसी भी फॉर्म में है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्ट हो रहा है, कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, कोई मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है, कोई रॉबरी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको दिया गया है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस टाइम भी दिया गया है कि आप अपने प्रॉपर्टी के बचाव में भी कार्य कर सकते हैं। तो सेक्शन 97 तो क्लियर हो गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शरीर और संपत्ति की भी प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। अब है कि क्या हमारा ये अधिकार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी है? क्या हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनके विरुद्ध भी कर सकते हैं? तो सेक्शन 99 यही कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और द रीज़न ऑफ एनी मिसकंसेप्शन। इस पॉइंट को हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि ए है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, मतलब ए जो है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जो पागल है, वो बी को अटेम्प्ट करता है मर्डर का, उसको मारने की कोशिश करता है। तो ए जो है अगर उसको मारने की कोशिश करता है तो ए के खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि वो एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड के पर्सन कुछ भी एक्ट करता है तो उसको अपराध नहीं माना गया है। तो लेकिन बी जो है जिसके अगेंस्ट ए उसको जो ए उस बी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो बी जो है उसके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। वैसा ही अधिकार है जैसे अगर ए स्वस्थ होके मारता, मतलब वो अनसाउंड माइंड नहीं होता, साउंड माइंड होके अगर उसको मार रहा होता, तो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको मिलता है तो उसको अधिकार अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी मिल सकता है कि वो अगर अपने बचाव में अनसाउंड माइंड के पर्सन को कोई भी हार्म पहुँचाता है, कुछ भी करता है, तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया जाएगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है कैन बी अगेंस्ट द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑल्सो। अब मिसकंसेप्शन का जो प्रोविजन है उसको हम इस तरीके से समझते हैं। ए जो है, एक ए है जो एक घर में घुसता है, उस घर में घुसने की उसकी उसको अनुमति तो है लेकिन वो रात के टाइम उस घर में घुसता है। तो बी जो उस घर में रह रहा है उसको ये पता नहीं है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, वो ए को पहचानता नहीं है कि ये कौन है, तो वो सोचता है कि ये इस पर अटैक करने के लिए आया है, तो वो उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, वो उस पर अटैक कर देता है। तो क्योंकि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो बी जो है, बी का भी अधिकार है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, और ए जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, उस अटैक से बचाने के लिए कोई भी कार्य करता है तो उसको भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो इन दोनों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमने समझा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन इनके पर्सन्स के अगेंस्ट दिया गया है, लेकिन कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया जाता है? तो सेक्शन 99 कहता है देयर आर सर्टेन एक्ट व्हेन देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी डूइंग हिज पब्लिक ड्यूटी and when the act is done in good faith, acting in good faith under the direction of public authority, and when there is no apprehension of hurt or death, and when there is no time
एंड व्हेन देयर इज़ अ टाइम टू गेट हेल्प ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 99 कहता है कि ऐसे एक्ट जहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला है, वो है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी का पर्सन अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और वो लॉफुल मैनर्स से कर रहा है और कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट भी नहीं है, ही इज़ एक्टिंग इन गुड फेथ, तो फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं अराइज होता है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए जो है वो पुलिस ऑफिसर है, वो एक अक्यूज्ड पर्सन को उसके घर जाता है उसको पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए। तो वो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, उसकी लॉफुल ड्यूटी है क्योंकि उसको एक अथॉरिटी दे रखी है कि उसको क्राइम को रोकना है, तो उसको क्रिमिनल को पकड़ना है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो जो बी जो है वो अपने आप को उससे बचाने के लिए उसको मारना स्टार्ट कर देता है, ए पुलिस ऑफिसर को। तो क्या यहाँ पे बी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज होता है? नहीं। क्यों? ए है वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है और ए से बी को कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट भी नहीं है। वो उसको ना तो डरा रहा है ना उसके प्रति, ना वो उसको पिस्ट ऐसा तो नहीं अगर कि वो उसको डरा रहा है कि भाई अगर तुम मैंने तुम मेरे पास नहीं आए, गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है। और फिर अगर वो ऐसा कुछ उसको पुलिस ऑफिसर को हार्म करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज नहीं होता है। हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप बाइक लेके जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, ट्रैफिक मैन आपको रोकता है और पूछता है आपका हेलमेट कहाँ है, तो आप कहते हैं मैं हेलमेट घर पे भूल गया, तो वो चालान काटता है आपका। वो चालान आपको कहता है कि आपको चालान का पेमेंट देना है, तो आप कहते हैं मैं अपना पर्स भी घर पे भूल गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहता है आपको चालान तो देना पड़ेगा। इसमें आप दोनों की बहस हो जाती है, तो ट्रैफिक मैन अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है लेकिन जब वो आपके चालान ना देने पर अगर आपको पीटना स्टार्ट कर देता है और वो इतना पीटता है कि आपको लगता है कि अब इस पिटाई से या तो मुझे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, तो आपके मन में एक डर पैदा हो गया, एक डर है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो अगर आप अपने बचाव में फिर कोई एक्ट करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं ट्रैफिक मैन को, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज होता है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक अथॉरिटी जो ऑफिसर है वो तब तक ही अगर वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है और लॉफुल मैनर में कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है तब तक सही है। अगर वो उससे आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट जैसा कुछ फीलिंग आती है कि हाँ उससे अगर वो अपनी लॉफुल ड्यूटी लीगल मैनर में नहीं कर रहा है, तो फिर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज होता है। तो समझ में आ गया कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता? तब तक जब अगर कोई लीगल ऑफिसर, कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है और उससे आपको कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तब तक आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया? अब सेक्शन 100 हमें बताता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, कि कब आप अपने खुद को बचाने के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये दिए गए हैं, ऐसे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जब आप खुद को बचाने के लिए किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोविजन कहता है सच एन असॉल्ट विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, ऐसा हमला जिससे आप में ये आशंका होती है कि इस हमले से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो फिर आप का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज होता है। सेकंड प्रोविजन कह रहा है सच एन असॉल्ट विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, ऐसा हमला जिससे आपको ये आशंका होती है कि ऐसे हमले से मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो सकता है कॉजिंग डेथ तक।
थर्ड पॉइंट है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप. फोर्थ है विद द असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट. फिफ्थ है अन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग. किसी का किडनैप या एबडक्शन करते वक्त जो हमला किया जाता है, उसके आशय से कोई हमला किया गया है, तब भी आप उसके बचाव में उसकी हत्या कारित कर सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी फॉर हिज रिलीज. इसमें कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति जब आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है और उस सर्कमस्टेंसेस में आप खुद के बचाव के लिए किसी भी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब आपके द्वारा जो भी किया गया एक्ट है खुद को बचाने के लिए, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा. अमेंडमेंट 2013 में एक सेवेंथ प्रोविजन भी इसमें ऐड हुआ है कि एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट एंड अदरवाइज विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट. अब अगर कोई आप पे एसिड थ्रो करने की कोशिश करता है खुद या किसी के द्वारा, और आपके मन में ये डर है कि इससे मेरी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तो भी आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उसकी मृत्यु कारित करने तक हो कर सकते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया कि व्हेन सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो ये सेवन प्रोविजंस जो होते हैं हमने डिस्कस किए, इसमें आप उसकी अपने खुद को बचाव के लिए आगे वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं. अब सेक्शन 101 कहता है When such right extend to causing any harm other than death. ऐसे अधिकार का विस्तार अगर मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करता है तब क्या होगा? अगर आपके apprehension of death तो नहीं है लेकिन grievous hurt है कि उसके act के through अगर आपको कुछ hurt हो रहा है, तो भी आप अपने आपको private प्रतिरक्षा के रूप में आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपनी रक्षा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं. तो ऊपर जो हमने प्रोविजंस पढ़े 100 सेक्शन 100 में, वही उन्हीं में ही आप किसी की डेथ को एक्सटेंड नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में. जबकि अगर उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो के कि आपको खुद का बचाव के लिए कोई एक्ट करना पड़े, तब भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है. अब हम ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर के रूप में, शरीर के प्रति अगेंस्ट जब भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का रूप के अधिकार दिया गया है, वो प्रारंभ मतलब स्टार्ट कब से होगा और कब तक बना रहेगा? तो सेक्शन 102 कहता है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस स्टार्ट विच में रीजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर टू द बॉडी अराइज फ्रॉम अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस. ये स्टार्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का डर. जैसे ही किसी एक्ट से आपको ये लगे, किसी के अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से ही आपको ये आशंका हो कि मुझे मृत्यु का डर है या फिर ग्रीवियस हर्ट का डर है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है. और वो तब तक रहता है जब तक ये डर आप में बना रहे हैं, जब तक कि आशंका बनी रहे कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने का खतरा है उससे. हमने एक इलस्ट्रेशन सबसे पहले पढ़ा था कि ए और बी वाला, कि ए जो है वो बी को मारने के लिए जाता है और बी अपने उसकी मार खा लेता है. तो जब वो ए उसको मार रहा होता है बी को, उस टाइम अगर उसे ये लगता है उसके अंदर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है कि ये मुझे इतना मार रहा है, क्या पता मैं इसे मर जाऊँ या मैं ग्रीवियस हर्ट हो जाऊँ, तो अगर उस टाइम उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया है, जैसे ही उसके मन में ये डर आया कि मुझे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट है, तो वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है. और वो तब तक रहेगा जब तक उसके मन में ये डर है कि भाई इसके एक्ट के थ्रू मुझे मृत्यु कारित हो सकती है. लेकिन हमने पढ़ा था कि दो दिन बाद वो उसको पिस्टल से मारने के लिए जाता है, तो तब वहाँ पे वो
राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम उसमें एप्रिहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, उस टाइम तो बदला लेने की आशंका से वहाँ पे गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कमेंस कब होता है, स्टार्ट कब होता है, जब आपके मन में एक एप्रिहेंशन ऑफ डेथ है, और वो तब तक कंटिन्यू रहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक आपको मिल सकता है जब तक ये एप्रिहेंशन ऑफ डेथ कंटिन्यू है। ये समझ में आ गया आपको, ये सेक्शन 102 कहता है। अब हमने बॉडी के बारे में तो पढ़ लिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सटेंड हो सकता है बॉडी से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ये सेक्शन 103 हमें बताता है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं कि कब कब ऐसे एक्ट होंगे जब आप अपने प्रॉपर्टी के बचाव में उसका आगे वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। जैसे पहला, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और विजल्स, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास विच में रीजनेबली कॉज द एप्रिहेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। तो ये अगर ऐसे कुछ एक्ट होते हैं, ऐसे कोई ऑफेंसेस कमिट होते हैं, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, तब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक भी कर सकते हैं। तो ये तो सेक्शन 103 हमें बताता है। तो 104 भी हमें 101 की तरह सिमिलरी है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, कि अधिकार, ऐसे अधिकारों का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित कर होती है, तब भी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें दिया गया है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्शन 103 में हमने पढ़े हैं प्रोविजंस वही प्रोविजंस होंगे तब आप किसी की अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में किसी की डेथ तक कॉज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें होगी जब आपको कोई एप्रिहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट है या हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज आप उसको कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में अधिकार आपके पास है। अब सेक्शन 105 कहता है कमेंस कब होगा, मतलब ये प्रारंभ कब होगा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का। तो वही सेम चीज़ है कि तब स्टार्ट होगा जब रीजनेबली एप्रिहेंशन है डेंजर टू द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी के ऊपर कोई खतरा है तब से वो स्टार्ट होगा, और वो जब तक वो खतरा रहेगा उस प्रॉपर्टी पे तब तक ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। अब सेक्शन 106 वो हमें बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो तब भी हो सकता है। कैसे, हम इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। ए जो है उसको एक भीड़, मतलब 10-15 लोग उस पर अटैक करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो ए खुद को तभी बचा सकता है जब वो उस भीड़ पे गोली चलाए। उस भीड़ में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, तो अब अगर वो गोली नहीं चलाए तो वो खुद को बचा नहीं सकता। तो जब वो गोली चलाता है और उस गोली से कोई छोटे बच्चे जो इनोसेंट हैं उनको हार्म पहुंचता है, तो इस टाइम ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया जाएगा। सेक्शन 106 हमें यही बताता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, ये कहाँ पे डिफाइन है और इसमें क्या क्या अधिकार हमें दिए गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।